दोस्तों कैसे पता करें कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ आप वो आपके साथ सेक्स करके खुश है। मतलब कि कोई भी पार्टनर किसी के साथ सेक्स करके कैसे खुश हो सकता है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है पता होना, क्योंकि आज के समय में बहुत ज़्यादा क्लेश होते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कई बार कि आपकी महिला पार्टनर आपके साथ क्यों लड़ रही है। आप सोचते हो कि क्या तो ये छोड़ना चाहती है, या आपको जो भी आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है बहुत बार आपकी महिला पार्टनर आपसे सेक्स में संतुष्ट नहीं हो पाती है, और उसकी वजह से वो चिड़ी रहती है। वो संतुष्ट नहीं होने की वजह से आपसे लड़ती है। आपको पता नहीं चलता कि ये बंदी लड़ी क्यों रही है, समझ रहे हैं आप। बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देने लग जाती हैं जब वो ज़्यादातर सेक्स में खुश नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को सेक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिनको प्यार के साथ साथ के से ज़्यादा, जिन जिन महिलाओं को सेक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो महिलाएं करती हैं। आज नहीं कल कभी ना कभी वो आपको चीट करेंगे अगर आप उनको सही से खुश नहीं कर पा रहे हैं, संतुष्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो दोस्तों मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा, और आज हम बात करेंगे संतुष्टि कैसे दे अपनी वाइफ को, और अगर संतुष्टि नहीं दे पा रहे हैं तो कैसे पता करें कि ये हरकतें बताएंगी आपको कि उसको आपसे खुशी नहीं मिल रही है, उसको आपसे संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि वो आपसे चिड़ी रहती है और वो आपको धोखा दे सकती है या आपको आगे चलकर छोड़ सकती है। तो दोस्तों मैं राजस्थान से रहने वाला हूं वैसे, और आप लोग सालों से मुझे देख रहे हैं, मेरे नॉलेज के साथ जी रहे हैं, और हजारों प्रकार की बीमारियों से मैंने आज तक आपको बताया है कैसे आप घरेलू तरीके से उनको ठीक कर सकते हैं और कैसे आयुर्वेदिक से परमानेंट ठीक हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है किसी भी इंसान को, तो वो जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहेगा, ये सच्चाई है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि कभी भी अंग्रेजी दवाइयाँ, एलोपैथिक ट्रीटमेंट या ऑपरेशन की तरफ ना जाएं जल्दी ठीक होने के लिए। आपकी ज़िंदगी ठीक होने के बजाय हो सकता है कि और पूरी ख़त्म हो जाए, क्योंकि सबसे पहले आयुर्वेद को हाथ थामी सही डॉक्टर से, न कि जल्दबाजी में उनसे भी आपको यह केमिकल खाने के लिए, उनको किया खिलाने के लिए मजबूर करें। तो ये एक सच्चाई है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि सबसे पहले कि आप कैसे पता करें अपने पार्टनर का कि हाँ वो संतुष्ट है। देखिए अगर कोई महिला आपसे संतुष्ट नहीं है तो सेक्स करने के बाद, या आप ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते हो, टिक नहीं पाते हो, उनका हो नहीं पाता है, तो वो आपसे चिढ़कर लड़ने लगेंगी, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ेंगी, उनका सर फटने लग जाएगा क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा। वो आपको ऐसा बर्ताव करेंगी कि आपसे बड़ा उनका कोई दुश्मन नहीं है एक तरीके से। वो तो हाथों हाथ होता है, चलो वो कुछ देर बाद होगा, लेकिन वो कंटिन्यू आपसे, आप उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनका ऑर्गन जन्म सही से एक तरीके से सीक्रेट नहीं करा पाते हैं, उनको संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो रेगुलर थोड़ा 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 करके घर में क्लैश करती हैं, छोटी छोटी बातों पर क्ले करेंगी, उनको बड़ा बनाएंगी, इरिटेशन करेंगी, पूरे परिवार को परेशान करेंगी, यही चलेगा। और जब उनको दिखेगा कि कोई और उनको संतुष्ट कर पा रहा है, वो लंबा समय निकल जाता है इस चीज़ को, बहुत लंबा, 6 महीने या कई, अलग अलग औरतों पे अलग अलग डिपेंड करता है कि वो कोई, कई औरतें 2 महीने में हार मान जाती हैं, कई 6 महीने लगाती हैं, कोई साल भर लगाता है, कोई 5 साल लगा देती है, कोई 3 साल, जो संतुष्ट नहीं हो पा रही उनकी बात कर रहा हूँ। हर औरत का एक अलग सहनशील शक्ति होती है, वो अलग होती है, तो हर औरत अपने अपने टाइम से आपको धोखा देती और देंगी आज ना कल। और आजकल हो भी रहा है गांव में, शहरों में, बड़े बड़े कस्बों में, आप खुद देखते हैं कि महिलाएं, बहुत सारा केस आता है, बहुत सारे केस आते हैं ऐसे, आपने अखबार में देखा होता है। ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती सिर्फ मर्दों की होती है कि मर्द उनको सही से संतुष्ट नहीं कर पाता। और मर्दों की भी सबसे बड़ी आज के समय कमी क्या है, वो लोग सबसे पहले अपने मास्टरबेशन करके अपने शरीर को बर्बाद कर देते हैं। और बहुत सारे डॉक्टर्स आपको या इन्फ्लुएंसर आपको मास्टरबेशन करने के लिए कहते हैं करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डाइजेशन इशू, ऐसे करके इशू बहुत सारे इशू चलते रहते हैं आपकी लाइफ में, डिप्रेशन ऐसे आ जाता है, फिर इनको बचने के लिए आप अंग्रेजी डॉक्टर्स के पास चले जाते हो, इधर कुएं से निकल कर आप उधर खाई में कूद जाते हो, तो ये चलता रहता है।
और आप पूरी तरीके से ख़त्म होते रहते हो। सच्चाई यही है दोस्तों, अगर आपको सही में सटीक रूप में ठीक होना है तो आपको आयुर्वेद का हाथ थामना होता है। लेकिन आयुर्वेद में भी आज के समय आप जैसे लोगों को जल्दबाजी करने के लिए केमिकल मिला के बहुत सारे डॉक्टर दे रहे हैं। मैं तो ये देखता हूँ, मैंने जिंदगी में कभी कोई केमिकल ना मिला है, ना ऐसी औषधि मिलाई है जिससे आपको जल्दी रिजल्ट मिल जाए लेकिन शरीर बर्बाद हो जाए। तो ये सब लोग, उनका काम होता है जो पैसा ही देखते हैं, किसी का शरीर नहीं देखते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आपकी महिला पार्टनर सही नहीं है, संतुष्ट नहीं है, या आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो, आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले शादी ना करें। आज के समय सबसे बड़ी कमजोरी आपको और परेशानी आपको यही मिलेगी। और बहुत सारे तलाक भी हो रहे हैं, ठीक है, और उसकी वजह से लोग आजकल बदनाम भी हो रहे हैं, बहुत शहरों गाँव में ये देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले शादी ही ना करें अगर आपको प्रॉब्लम है, और गलती से हो रखी है और शादी होने के बाद प्रॉब्लम हो गई है आपको, तो उसका जल्दबाजी ना करें किसी भी डॉक्टर को चुनने के लिए, या कोई भी जल्दबाजी में गोली खाकर अपनी वाइफ को संतुष्ट करने की कोशिश ना करें, वरना उसको संतुष्ट करने के बाद आप ज़िंदगी में संतुष्ट किसी को नहीं कर पाओगे। अपनी वाइफ की बात कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले शांति बनाए रखें, रिलैक्स रहें और एक सही डॉक्टर को देखें, या रिलैक्स होकर चेक करें कि अब तो आप ठीक हो जाएं, समझे, या घूम कर आइए कहीं जाकर कुछ दिन, क्या पता आप ठीक हो जाएं। ये होता है, बहुत सारे पेशेंटों को मैंने आजमाया, घूमने से भी बहुत सारे लोग रिलैक्स होते हैं और दिमाग, और बहुत सारे लोगों की सेक्सुअल प्रॉब्लम ठीक हुई है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर करिए और अपनी समस्या मुझे कमेंट करिए, जिसे मैं आपके लिए वो ही वीडियो लेके आ सकूँ।